कब आएगी वो नैन लड़ैया। अब देखो यार, अगर आप लोग भी नहीं जानते कि हम DSLR से रील्स वीडियोस कैसे बनाएं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने DSLR से रील्स वीडियोस को कैसे बना सकते हैं। अब देखो यार, आजकल इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल हो रही है। जो बंदे यार अपने DSLR से रील्स वीडियोस बना रहे, बैकग्राउंड ब्लर रहता है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहती है, उनकी वीडियोज़ यार इंस्टाग्राम रील्स में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तो अगर आप लोग के पास भी एक DSLR है और आप नहीं जानते कि DSLR से हम रील्स वीडियोस कैसे बना सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नॉर्मली DSLR से रील्स वीडियोस को कैसे बना सकते हैं। सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो आपको कुछ भी नहीं करना यार, हमेशा की तरह इस वीडियो को देखना लास्ट तक, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और यार देखो, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो यार, सबसे पहले अपने आप DSLR को यहाँ पे अपने ट्राइपॉड पे सेट कर लेना कुछ इस टाइप से। उसके बाद आपको यहाँ पे ना हॉरिजॉन्टल कर देना है कुछ इस साइड से ऐसे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग कर लेना है। यहाँ पे आपको वर्टिकल नहीं रखना है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपको ऐसे कर लेना है। उसके बाद आपको यार अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। अब आप लोग यार यहाँ पे ना जिस भी म्यूज़िक में आप अपना रील्स वीडियोस को बनाना चाहते हैं, जो आपको पसंद आ रहा है, वहाँ पे आपको यहाँ पे ऐसे सिंपल ऐसे नॉर्मली आपको चला लेना है, ठीक है, ऐसे कुछ चला लो। आपको यहाँ पे रील्स चला लेना है अपने मोबाइल फोन में, DSLR को वहाँ पे लगा लेना है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पे। अब आपको यहाँ से अब आपको वेट करना है जब आपका यहाँ पे चालू हो जाए रील्स। देखो देखो, अब मेरा चालू होने वाला स्टार्टिंग साहब, देखो आएगी वो नैन लड़ैया जो बोलेगी हमको सैया, तेरे गिन 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 के मार में अंतो फिर बन गए सैया, खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया खिलाड़ी भैया। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, बस रिकॉर्ड कर लेना है। अब देखो, ऐसे कुछ आप लोगों को रिकॉर्ड कर लेना है अपने DSLR में, जैसा कि मैं आपको दिखाऊँ, सेम ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद आपको अपना इंस्टाग्राम ओपन करना है। अब देखो यार, जिस भी रील्स पे आप लिपसिंग कितना, उस यहाँ पे अपने इंस्टाग्राम पे ओपन कर लेना उस रील्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना 3 डॉट पे, उसके बाद यहाँ पे कॉपी लिंक्स पे क्लिक कर देना यहाँ पे। उसके बाद यार आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद देखो यार, ज़्यादा कुछ रहता नहीं, आपको क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। उसके बाद वहाँ पे लिखना है रील्स डाउनलोडर, ठीक है, आपको इतना लिखना है रील डाउनलोड। आप इतना भी लिख देंगे तब भी आ जाएगी बहुत सारी वेबसाइट। आपको किसी पे एक पे क्लिक करना है और यहाँ पे थोड़ा देर प्रेस करके रखना, उसके बाद यहाँ पे पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे ना आपको ये वाली वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। ये क्यों डाउनलोड कर रहे हैं वो आगे आपको पता चलेगा, तो आपको ऐसे डाउनलोड कर। अब देखो यहाँ पे आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है काइनमास्टर। अगर आप लोग पहले से डाउनलोड करके रखे हो तो यार बहुत अच्छा, पहले से यार मैक्सिमम लोग डाउनलोड ही करके रखते हैं, क्योंकि अगर आप लोग एडिटिंग करते हो तो आप डाउनलोड करके ही रखते हो। तो अगर नहीं किए हो तो आप लोग क्रोम पे या फिर यूट्यूब पे जाके सर्च करो विदाउट वाटर मार्क काइनमास्टर कैसे डाउनलोड करें, आपको इजीली मिल जाएगा, आप लोग जाके डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रिएट नाउ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे 9:16 पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है कुछ इस प्रकार से। अब यार आपके जितने मोबाइल फ़ोन में फाइल्स होंगी वो सारी फाइल्स यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप जो यार अपने DSLR से रील से शूट किया था ना, उसको आपको यहाँ पे नॉर्मली सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं ये वाला शूट किया था तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। अब यार आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अपने इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो रोटेटिंग एंड मिररिंग आपको यहाँ पे लिखा दिख रहा होगा, आपको इस पे क्लिक करना और आपको यहाँ पे पहले वाले पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप लोग 2-3 बार जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका जो वीडियो होगा वो ऐसे रोटेट हो जाएगा हॉरिजॉन्टल में। अब आपको कुछ भी नहीं करना, अब आपको अपने रील्स चला के देखना है। यहाँ से आपको देखना, जहाँ से आपका रील्स मतलब स्टार्ट, जहाँ से आप लिपसिंग करना स्टार्ट करो ना, वहाँ से आपको कट करना है। तो आपको यहाँ पे अभी देख लेना है ये कुछ इस प्रकार से, आपको देखना है यहाँ पे। देखो यहाँ से मैं बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मैं लिपसिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं क्लिक करूँगा और इस कैंची वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और ये जो लेफ्ट साइड का है ना, इसको पूरा का पूरा कट कर लूँगा, क्योंकि भाई ये एक्स्ट्रा पार्ट है हमारे वीडियो का। तो आपको यहाँ से कट कर लेना है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से अब लास्ट में आ जाना है। अब आप जहाँ से ख़त्म करते हैं लिपसिंग, वहाँ से कट करना है, ठीक है, जहाँ से आप ख़त्म करते हैं लिपसिंग कुछ इस प्रकार से। आप लोग अपने हिसाब देखो, ऐसे कुछ आपको यहाँ से मैं अपने लिपसिंग को यहाँ पे बंद किया हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ इस प्रकार से बना लूँगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे क्लिक करना और इस साउंड पे और इसको एकदम ज़ीरो कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है।
अब आप लोग जो अभी इंस्टाग्राम से रील्स डाउनलोड किए हो क्रोम पे जाके, उसको आपको यहाँ पे नॉर्मली आपको सेलेक्ट करना है कुछ इस प्रकार से, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे देखिए एक्सट्रैक्ट ऑडियो का एक ऑप्शन मिलेगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो, आपको इस पर क्लिक करना, फिर यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग देखो उस वीडियो का जो ऑडियो था ना वो यहाँ पे निकल आया है और वीडियो यहाँ पे नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग अब चला के देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से रहेगा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कब आएगी वो नैन लड़ैया, तो कुछ इस प्रकार से आप, अगर आपका यहाँ पे म्यूज़िक अगर सही से नहीं बैठा तो आगे पीछे करके आप लोग यहाँ पे बैठा सकते हो। अगर आपके लिक्सिंग मैच नहीं हो रही तो आप आगे पीछे करके यहाँ पे वो कर सकते हो। उसके बाद यार यहाँ से आप लोग क्या करो, यहाँ पे एक्सपोर्ट करो, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके एक्सपोर्ट करो। उसके बाद ये आपके गैलरी में चली जाएगी वीडियोज़। उसके बाद आप लोग यार इंस्टाग्राम पर जाकर डायरेक्ट अपने रील्स पर अपलोड कर देना सेम म्यूज़िक पर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोग यार कर लेना। बाकी यार ऐसे ही कुछ आप लोग यार अपने DSLR से रील्स वीडियोस को बना सकते हो। अब देखो जैसे जैसे आप ज़्यादा यूज़ करोगे ना, आप मुझसे भी काफ़ी अच्छा बना सकते हो, आप यूज़ तो करो भाई, धीरे धीरे आप बहुत प्रोफेशनल रील्स वीडियो बनाने लग जाओगे। बाकी यार ये छोटी सी वीडियो से अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।